अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन बीनिश का टिफ़िन। आज बीनिश के टिफ़िन में क्या बनने जा रहा है? आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त। आप लोगों ने भिंडी गोश्त ज़रूर बनाया होगा अपने घरों में। आप मेरी रेसिपी से भी भिंडी गोश्त ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भिंडी गोश्त की रेसिपी। यहाँ पर मैंने हाफ के जी गोश्त लिया है। आप इसको चिकन में, मटन में, बीफ में, जिसमें भी बनाना चाहे यह आप पे डिपेंड करता है, आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ के जी बीफ लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने कुकर में हाफ कप ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ कप ऑयल में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिए। आप अपने स्पाइस के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च जो है भुन जाए तो फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास क्यूब में है, फ्रीज हुआ फ्रोज़न है, तो यहाँ पर मैं फ्रोज़न ऐड करूँगी। 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 टेबल स्पून आप लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कीजिएगा। मेरे पास इस तरह से क्यूब में, इन क्यूब की रेसिपी जो है लहसुन अदरक को फ्रीज़ करने की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है। 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम मैंने हल्दी ली है। 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम मैंने जायफल जावित्री पाउडर लिया है। 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है और रेड चिली पाउडर हमने ऑलरेडी उसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून जो हमने रेड चिली पाउडर लिया था वो हमने इसमें स्टार्ट में ऐड कर दिया है। तो अब ये वाले बाकी के स्पाइसेस भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। हाफ प्याली इसमें दही ऐड कर देंगे और दही जो है फिटी हुई होना चाहिए। ऐसे ही आप ठंडी दही यूज़ नहीं कीजिएगा फ्रिज से, क्योंकि इसमें सालन में लम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ प्याली जो है मैंने दही ऐड कर दिए। अब इस मसाले को हम भून लेंगे। मसाला भुन गया है, अब इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड कर दिया है इसमें। अब इसमें 3 कप पानी ऐड करके गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। जब गोश्त गल जाता है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। गोश्त तकरीबन गल गया है, इसमें हल्की सी कसर रहने दिए, बाकी जो है भिंडियों के साथ फुली कुक्ड हो जाएगा। तो अब इसमें हम भिंडियाँ ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 पाव से थोड़ी कम भिंडियाँ ली है। भिंडियों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो क्वांटिटी बढ़ा दें, अगर ज़्यादा नहीं पसंद है तो क्वांटिटी कम कर दें। लेकिन यहाँ पर मैं 1/2 केजी गोश्त के साथ 1/2 पाव से थोड़ी कम भिंडियाँ ले रही हूँ। इसका ये मैंने ऊपर से कैप हटा दिया। ये जो वॉश कर ली थी मैंने भिंडियाँ, और ऊपर से जो कैप होता है वो हटा दिया, और लास्ट से जो इसकी जो टिप है थोड़ी थोड़ी इसको कट कर ली है। अब हम इसको गोश्त में ऐड कर देंगे। इसको मैं भिंडियों को और गोश्त को कम्प्लीटली गलने के लिए रख देती हूँ। जब गोश्त और भिंडियाँ गल जाएंगी तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। भिंडियाँ और गोश्त फुली कुक्ड हो गए। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। गरम मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे। मैंने 1/2 लेमन लिया है। इसको मैं भिंडी गोश्त में ऐड करूँगी। मैं इसमें ही ऐड कर रही हूँ। अगर आपको इसमें ऐड नहीं करना है तो आप बाद में जब सर्व करें, तो काफ़ी लोगों को खटास पसंद नहीं होती, खाने सालन में ऐड ना करें। सालन सर्व करते टाइम लेमन भी सर्व कर दें। इसी में ही 1/2 लेमन ऐड कर रही हूँ। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा उसमें ऐड कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप कम ज़्यादा उसकी खटास कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1/2 लेमन ले रही हूँ, उसको मैं स्क्वीज कर देती हूँ सालन में। मसाला जो है भुन गया है। आपको जितना भी शोरबा रखना है आप अपने मुताबिक रख लें। मैं यहाँ पर 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, आप अपने मुताबिक पानी ऐड कर लें जितना आपको शोरबा रखना है भिंडी गोश्त का।
भिंडी गोश कम्प्लीटली रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। भिंडी गोश रेडी है। आप मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। बहुत जल्दी ये सालन रेडी हो जाता है और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो आप मेरी रेसिपी से भी अपने घर में भिंडी गोश ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी भिंडी गोश की पसंद आई है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करें और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पर न्यू विज़िट किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और ज़बरदस्त यमी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।